दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके फिसागोरस का मसला का प्रैक्टिस सेट 2.1 का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसके लिए आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जकरिया और आप देख रहे हैं संजरी अकेडमी पर ऑनलाइन लेक्चर। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 8 जो आपका इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे, मैंने शक्ल बना करके रखा है, क्या दिया वहाँ पर, देखो, रास्ते के दोनों जानब एक दूसरे के मुकाबले वाके इमारतें की दीवारें एक दूसरे की मुतवाजी है। ये जो है, ये इमारतें हैं, ये एक बिल्डिंग है जो एक दूसरे के मुतवाजी है, मतलब अपोजिट में है, ये इधर है और ये इधर है। 5.8 मीटर सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, मतलब एक सीढ़ी है जो ये रास्ता है, ये ज़मीन है ना, ये रास्ता है, ये यहाँ पर एक क्या रखा गया, सीढ़ी रखा गया जिस पर हम चढ़ते हैं। यहाँ पर एक सीढ़ी रखा गया है और आगे देखेंगे कहीं पर भी रखा हुआ है। इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर की ऊंचाई पर वाके खिड़की तक पहुंचता है, मतलब जब वो सीढ़ी यहाँ लगाता है तो जो पहली इमारत है, जब यहाँ से सीढ़ी लगाता है तो यहाँ जब पहुंचता है तो यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाता है, 4 मीटर हो जाती है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो खिड़की है वो खिड़की की लंबाई पूरी कितनी हो जाती है, ज़मीन से 4 मीटर हो जाती है। आगे देखेंगे, इसी जगह से सीढ़ी को दूसरी जानिब मोड़ने पर इसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर की ऊंचाई पर वाके खिड़की तक पहुंचता है। मतलब ये सीढ़ी को जब मैं मोड़ा, इधर मोड़ दिया बराबर, जब यहाँ से मैंने इस बिल्डिंग पर खड़ा किया तो यहाँ पर जो टच हो रहा है, ये जो बिल्डिंग पर जाके टच हो रहा है, तो इसकी जो लंबाई है कितनी हो गई, हो 4.2 मीटर हो गई है। अच्छा, एक बात, ये जो सीढ़ी की लंबाई हो कितनी देके रखा है हमको, 5.8, और ये भी कितना देके रखा है आपको, 5.8 देके रखा है, क्योंकि यही सीढ़ी को हमने यहाँ पर टर्न करा है, इसलिए वो दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। अब क्या बोला है, रास्ते की चौड़ाई हमको क्या करने का है, मालूम करना है। ये जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरी चौड़ाई है, ये हमको क्या करने का है, मालूम करना है। सिंपल है ना, देखो इधर पे ये कायमा जावे बन रहा है, एक जिला और एक जिला दिया है, दो जिला दिया है, तीसरा जिला हम निकाल लेंगे, इसके अंदर भी वही दिया है, आगे देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर यहाँ दो मुसलस दिया है आपको, तो सबसे पहले मैं याला मुसलस ले रहा हूँ, तो ये मुसलस को हम सेलेक्ट करेंगे, मुसलस EDC, मुसलस EDC में, देखो EDC में जाविया D क्या दे रहा है आपको, 90, तो हम क्या लिखेंगे, जाविया D बराबर है किसके, 90 के। अगर वो जाविया 90 है तब उसमें हम क्या लगेंगे, फिसागोरस का मसला, तो इसके मुकाबले का जो ज़िला दे रहा है क्या दे रहा है, CE लिखो या फिर EC लिखो, बात तो एक ही है, ये बराबर, यहाँ हम क्या लिखेंगे, CD का मुरब्बा, ये प्लस आपका आ जाएगा ED का मुरब्बा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ED का मुरब्बा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फिसागोरस के मसले से। आगे देखेंगे, अब वैल्यू रखो, EC कितना दिया है आपको, EC दिया है आपको 5.8, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5.8, लेकिन इसको मुरब्बा है तो इस पर मुरब्बा आ जाएगा बराबर। CD दिया है क्या आपको, ये तो मालूम करना है ना आपको, लंबाई मालूम करना है, तो CD का मुरब्बा ऐसे ही रहेगा। प्लस ED कितना दिया है आपको, ED की कीमत कितना दिया आपको, 4.2 मीटर, ये 4.2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मुरब्बा। अब देखो इसका मुरब्बा निकालेंगे, 5.8 का मुरब्बा क्या होता है, 33.64, ये बराबर, और ये CD² तो ऐसे ही रहेगा ना, ये प्लस, अब देखेंगे 4.2 का मुरब्बा क्या होता है, 17.64, वही नंबर को वही नंबर से ज़रब करेंगे तो उसका क्या मिलता है, मुरब्बा निकलता है। अब हमको क्या निकालने का, मुरब्बा ना, तो ये प्लस में इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, 33.64 माइनस, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या जाएगा, 17 क्या जाएगा, 64 इक्वल टू के साइड में क्या बचेगा, CD का मुरब्बा। अब ये दोनों का जब माइनस करेंगे तब हमारा कितना बचेगा, 16, ये बराबर कितना जाएगा, CD²। यहाँ तक समझ में आया, अब देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, CD² बराबर होता है 16 के। अब मुरब्बा हटेगा तो किस में चले जाएगा, हमारा जजर में चले जाएगा, और जजर 16 की वैल्यू क्या होती है, CD बराबर होता है, जब जजर के बाहर आएगा तो क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये था हमारा CD की कीमत हमें कितना मिली है, 4 मिली है। अब आगे देखेंगे, उसके बाद अब हमको ये मुसलस हो गया ना, अब हम ये मुसलस की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे इस मुसलस में, देखो ये मुसलस को सेलेक्ट करो, मुसलस क्या हो जाएगा, ABC में जाविया बी कितना दे रहा है आपको, 90 दे रहा है, जाविया बी बराबर है 90 के। अगर वो 90 है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, रिटर्न फिसागोरस का मसला। अब देखो इसके मुकाबले का ज़िला क्या दे रहा है, AC दिया है आपको, तो हम क्या लिखेंगे, AC का मुरब्बा, ये बराबर होता है क्या हो जाएगा, AB का मुरब्बा प्लस क्या हो जाएगा, BC का मुरब्बा, और इसको हम क्या कहते हैं,
फिसागोरस के मसले से। अब आगे देखेंगे, वैल्यू रखना है, ए सी की कीमत आपको कितना दिया है 5.8, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5.8 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा मुरब्बा बराबर। ए बी, ए बी की कीमत आपको दिया कितना दिया 4 और ऊपर क्या आ जाएगा मुरब्बा। ए प्लस बी सी हमको क्या करना है मालूम करना है, इसका मुरब्बा भी हमने निकाले थे, कितना निकाले थे 33.64, ये बराबर 4 का मुरब्बा 16, ये प्लस और यहाँ पर ये क्या जाएगा ये 20 स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ये प्लस में ना इधर पे, यहाँ प्लस में इक्वल टू की साइड आएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 33.64 इक्वल टू वहाँ पर क्या बचेगा बी, ये प्लस में ना इधर लेके आएंगे तो इसकी क्या आ जाएगा ये माइनस ये 64 इक्वल टू की साइड में क्या बचेगा 20 स्क्वायर। अब उसके बाद अब हमको ये दोनों को क्या करना है माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 17. क्या आ जाएगा 64 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा ये 20 स्क्वायर, ये दोनों को आप माइनस करना तो आंसर ये आएगा। अब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, बी सी स्क्वायर बराबर होता है 17.64। अब उसके बाद मुरब्बा हटेगा तो किस में चले जाएगा बी सी, अब इसका जजर आपको याद रहना चाहिए, जब ये जजर में चले जाएगा तो क्या बचेगा 17.64, इसका जजर जब हम इसका जजर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 4.2 आएगा, बी सी इक्वल टू 4.2 मीटर, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं मीटर और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं मीटर। ठीक है तो दोस्तों अगर अभी देखो, लेकिन हमको क्या मालूम करना है, पूरा बी डी की लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम कर रहा था ना, तो हम चौड़ाई कैसा मालूम करेंगे इसको, देखो बी डी दिखाई दे रहा बी डी, यहाँ हम लिखेंगे बी डी क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि हमको पूरी चौड़ाई मालूम करना था ना, तो बी डी क्या होता है बराबर होता है बी सी के अंदर क्या प्लस कर दूंगा सी डी, तो पूरे बी डी के बराबर हो जाएगा, तो पर हम क्या लिखेंगे बी सी प्लस क्या जाएगा सी डी, ये बी डी की कीमत हमको मालूम करना है ना, ये बराबर बी सी की कीमत अभी हमने निकाला है कितना निकाला है 4.2, फिर बाजू में प्लस सी डी की कीमत हमने निकाला है कितना निकाला है 4, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8.2 मीटर। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए रास्ते की चौड़ाई कितना है 8.2 मीटर है। दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था, अगर आप अभी इसका लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर करें और इसी तरीके से हमारे संजरी एकेडमी से जुड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम।